छत से क्या है ना कि वो छत पे जब मैं गई ऊपर, मैंने कि चलो कपड़े उठा लाऊं, और अब तो है ना इतनी तेज धूप होती है कि मैंने अभी दोपहर में कपड़े डाले थे और तुरंत वो 2 घंटे में कपड़े सारे सूख गए। तो दाल और चावल का पानी रखा था मैंने, उसको फेंका नहीं, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि अगर ये पानी अपन पौधे में डालते हैं तो अच्छा ग्रो करते हैं। तो मैं भी देखती हूँ पौधों में क्या हाल होता है। और पता है ना, एकदम से आप अभी दोपहर में धूप थी ना हो, और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अब थोड़ा मौसम में चेंजिंग हो गई है और एकदम बादल से हो रही है, मौसम भी थोड़ा बिगड़ रहा है। वैसे तो अच्छी धूप निकली। और मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगी कि मैं जो शादियों में गई थी तो मुझको क्या क्या सामान मिला है। तो अब मैं स्टार्टिंग करती हूँ सामान दिखाने की आप लोगों को। प्लीज जो भी आवाज आ रही हो उसको आप ध्यान में ना रखें, क्योंकि बाहर से आ रही है। तो क्या है ना, और भी सामान है तो कहाँ गया। हाँ, तो एक शादी में, मतलब शादी एक दिन में दो थी, तो एक जगह की मैंने अटेंड कर ली थी, फिर एक जगह हस्बैंड गए थे तो वहाँ की भी वहाँ शादी करके फिर मैं जिस जगह गई थी उस जगह मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उनने भी की। तो एक जगह से मुझे ये टिफिन मिला था, मतलब मेरे हस्बैंड को, 3 खन का है, स्टील का टिफिन है और अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसा टिफिन मेरे पास है भी है पहले से ही, और वो एक मेरी दी। और जो अब मैं शादियों का जो सामान, मतलब शादी मैंने अपने मायके में ही मतलब की है, जैसे कि मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, दीदी के यहाँ। तो मतलब जो फर्स्ट नंबर की शादी थी उसमें मुझे एक ये टिफिन मिला है, ये भात की जो रस्म होती है ना उसमें मिला है। और ये डिब्बा है, और ये डिब्बा 1.5 किलो का होगा। और एक मुझे ये बाल्टी मिली है, तो ये काफी बड़ी बाल्टी है और देखने में भी अच्छी लग रही है। और ये कहीं से भी, मतलब जैसे कि अपन स्टील को दबाते तो ऐसे होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी प्लाई मतलब स्टील जो है अच्छी है। और भी मिला है उनके यहाँ तो, और इनको मिला है मेरे हस्बैंड को, ये एक शॉल है, जो बड़ी वाली शॉल होती है ना जेंट्स वाली, वो मिली है। और ये व्हाइट कलर की टॉवेल है, और ये मिली है, तो ये टॉवेल सूती है कॉटन वाली, तो वो मिली है मुझे। और एक टॉवेल और मिली थी जो ऑरेंज कलर की थी, तो उसके मतलब मैंने उसको यूज कर लिया है, तो वो मैं नहीं दिखा पाई लेकिन यूज हो गई है। और अब मैं जहाँ और शादियों में गई थी, मतलब चाचा वगैरह के यहाँ, तो चाचा जी के यहाँ मुझे विदाई में 2 साड़ियां मिली है। तो ये साड़ी है, एक ये देखिए आप, ये इस टाइप की है, मतलब रेगुलर यूज में अच्छी साड़ी है, कपड़ा भी ठीक है इसका, अपन रेगुलर यूज में इसको पहन सकते हैं। एक साड़ी ये है, और एक मैं दिखाती हूँ, अभी उसमें भी रह गया है, सॉरी मैंने ये साड़ी पहले दिखा दी, कोई बात नहीं। और मुझे जो मतलब जो इसमें मुझे जो बाल्टी और स्टील का डिब्बा मिला था, तो उनके यहाँ मुझे एक ये साड़ी भी मिली है, तो मैं वो साड़ी भी आपको दिखाती हूँ। उनके यहाँ मुझे ये वाली साड़ी मिली है, ऑरेंज है और थोड़ा अलग कलर है बीच का। और चाचा जी के यहाँ एक साड़ी मैंने दिखा दी, क्योंकि हो जाता है सारा सामान इकट्ठा रखा है। और एक साड़ी मुझे चाचा जी के यहाँ पर ये मिली है, मतलब इस टाइप की है ये, मतलब ब्लैक और ग्रे कलर है। तो ये मतलब ऐसी है, अपन मार्केट वगैरह पहन जा सकते हैं रेगुलर यूज के लिए। और मुझे उनके यहाँ चाचा जी के भात में भी सामान मिला है, तो ये मेरे हस्बैंड को टॉवेल मिली है, और टॉवेल है ना काफी बड़ी है, अच्छी है। और ये टॉवेल मेरे यहाँ पे एक सी टॉवेल हो गई है 3, क्योंकि जय को भी टॉवेल मिली है, जय की भी मैं टॉवेल दिखाती हूँ। जय को ये वाली टॉवेल मिली है,
ये है ना वो रानी कलर होता है और व्हाइट वाला वो है, और श्याम को भी मिली है। श्याम को है ना लाइट पिंक कलर का मिला है ये, और व्हाइट है। और मुझे भारत में क्या मिला है, मुझे ये स्टॉल मिली है, इसका कलर है रेड। ये देखिए स्टॉल भी काफी बड़ी है, अच्छी है, सॉफ्ट कपड़े की है तो। और इन्होंने कुछ थोड़ा कैश भी दिया था, मतलब जो जिस पे बना। और है ना मैं वहां और मैंने एक शादी और अटेंड की थी तो उसमें मुझे ये साड़ी मिली है। ये देखिए जो इस टाइप की है, मतलब जिस पे जैसा भी बना उसने मुझे सबने अच्छा ही दिया है और मुझे खूब मिला है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी शादी में ना मिला हो, मुझे खूब सब कुछ मिला है और अच्छा भी लगा है। और इन्होंने भी कैश दिया है तो मुझे आप बताना प्लीज कि मतलब मुझे जो सामान मिला है वो आपको कैसा लगा है, क्योंकि मैं क्या है ना आपके साथ में अपनी छोटी से छोटी चीज शेयर करती हूँ। अगर मैं मार्केट से कुछ भी लाई हूँ या मैं कहीं भी गई हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करूँ। और इन कपड़ों को भी हम फोल्ड कर देते हैं। और अब आप बताना कि मतलब मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। और अपने बस मैं सोचती हूँ कि मैं सब कुछ आपको अच्छा ही दिखाऊं और पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि। और प्लीज मैं आप मेरे ब्लॉग को रेगुलर देखिए। और क्या है ना कि कुछ मुझसे गलती भी बन जाती है, ऐसी बात नहीं कि मैं मुझसे गलती ना बने, तो प्लीज आप उसको माफ कर देना। और अब हम चलेंगे किचन में, देखते हैं किचन में क्या काम पड़ा है, क्योंकि किचन में भी काफी काम रहता है और अभी तो काम फैला ही फैला है, क्योंकि अभी हम वहां से आए हैं तो कोई काम हो भी नहीं पा रहा है अच्छे से। और आज मैंने सारे कपड़े प्रेस के लिए भी भेज दिए हैं, क्योंकि ज्यादा कपड़े हो गए हैं ना तो प्रेस नहीं हो पाएगी मुझसे, क्योंकि कपड़े थोड़े हो तो प्रेस हो जाती है। चलो अब मिलेंगे किचन में। अब मैं किचन में आ गई हूँ तो ये क्या है ना मैं शाम के बर्तन साफ कर रही हूँ, जैसे कि चाय वगैरह मैंने पी थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने पी चाय, तो अब मैं इनको बर्तन को भी साफ कर लेती हूँ। पहले इनको नल से सारे बर्तन थमा लूंगी। बर्तन वगैरह सभी साफ कर लिए हैं और मैं फिर से इधर आ गई हूँ। आज मौसम हो रहा है कुछ ठंडा और मैं अंदर के रूम में जा रही हूँ और मौसम भी काफी ठंडा होता जा रहा है आज, मतलब थोड़ा मौसम में चेंजिंग हो गई है। और प्लीज आप लोग मुझे बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। और अब हम यहाँ बैठ जाते हैं, फिर आपसे करते हैं एक मिनट बाद। और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या है ना कि
मैं बताती हूँ ना, मैं मतलब कोशिश यही करती हूँ कि मैं सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा करूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कुछ रह जाता है कि आपको ब्लॉग मालूम नहीं, आपको ब्लॉग मेरा पसंद भी आ रहा है या नहीं, क्योंकि आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो तो मुझे नहीं पता है। तो मैं तो यही जानती हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा ही आ रहा होगा, तो मैं अपना उसी हिसाब से बनाती रहती हूँ। अगर आपको कुछ उसमें कमी दिखती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं क्या ना उसको सुधारने की भी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ हम करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी और मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और थैंक यू। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो।